मेरे हम भक्तों साथी हो और मेरे मोहतरम सादर काम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नज्म व ज़ब्त की अहमियत के बारे में बताऊंगा। इस जहाँ ने आप गुल का जरा जरा अपने वजूद नज्म व ज़ब्त की ही बदौलत कायम रखे हुए है। नज्म व ज़ब्त से मुराद मुनज़्ज़िम अंदाज में एक खास अंदाज है और एक खास तरतीब में रहते हुए कोई काम सर अंजाम देना है। यह हकीकत है कि नज्म व ज़ब्त किसी भी फर्द या कौम की जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। धर्म इश्क दवाम आयन की पाबंदी से है, धर्म ऐसे दवाम आयन की पाबंदी से है, मौज को आजादिया समान शेमन हो गई। कायनात की हर शय का वजूद नज्म व ज़ब्त पर मौकूफ है। अगर ये नज्म व ज़ब्त खत्म हो जाए तो इस दुनियाई रंग और बू के तमाम हसीन मनाज़िर और रंगीनियां बिखर जाएंगी। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लिहाजा अगर तमाम अफराद अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाएंगे तो तभी इनकी कौम तरक्की की राह पर चल सकती है। अगर तलीमी इदारों में नज्म व ज़ब्त खत्म हो जाए तो तलबा के किरदार की तमीज बेहतर खतूत पैदा होगी और तलीमी मैदान में दीगर अकवाम आलम में वो पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से फिलहाल में पूरी कौम को तंजीली का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकारी दफातर में आने और जाने के वक्त मुकर्रर ना हो तो हर कोई अपनी मर्जी से आ जाएगा, जिसकी वजह से फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसी तरह अगर एक साल में एक वक्त पर स्कूल ना आए और वक्त पर अपना काम मुकम्मल ना करे, हाँ वो कितना ही सही क्यों ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। आम मुशाहिदा है कि कायनात का निजाम सब पर चल रहा है। चांद और सूरज सब के मुताबिक गर्दिश करते हैं, सियारे भी अपने अपने मैदान में मुनासिब रफ्तार से गर्दिश कर रहे हैं, तो सारा निजाम तबाह हो जाएगा अगर कोई भी नज्म व ज़ब्त का कोई भी हिस्सा खराब हो जाए। दिन और रात का बदलना फर्ज ये कि इस कायनात के तमाम निजाम नजारे नज्म व ज़ब्त के मुजरम है। पोशीदा है ये नुक्ते तारों की जिंदगी में। शुक्रिया।